हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरती भारद्वाज ब्लॉगर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग ये बताना कि आपके वहाँ के गर्मी के हालत कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत बुरे हाल है। पहले तो हमें देहरादून वालों को ये लग रहा था कि इस बार गर्मी आ ही नहीं रहा है, मतलब इतना अच्छा मौसम था पूरे मई तक ना बिल्कुल गर्मी का नामो निशान नहीं था। जैसे जून आया ना, धीरे धीरे गर्मी बढ़ता रहा और एक हफ्ते से तो ऐसी गर्मी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। और लू लगने के तो पूरे के पूरे चांसेस है इस मौसम में, बहुत ज़्यादा जब तपते हुआ गर्मी। तो इसमें ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए सबसे पहले तो, और सबसे ज़्यादा पीने वाली चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा पीने चाहिए, जूस वगैरह। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ, और सबसे इजी वे में कैसे बनेगा कम खर्च करके। जैसे होता है ना, हमारे पास बहुत सारे सामान नहीं होते कम चीज़ों में, हम कैसे जूस या फिर लस्सी कुछ भी चीज़ें हम कैसे तैयार करें। तो आप लोगों के साथ हम लोग बना के पीने जा रहे थे, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी कुछ भी बोल देती हूँ मैं। तो ये है दही, मतलब मैं ये बोलने वाली थी ये है दही और मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी, लेकिन ये मैंने बोल दिया ये बनाने जा रही हूँ मैं दही। तो ये है दही और हम इसका बनाएंगे लस्सी, बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड बिल्कुल। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ कि कैसे, मतलब मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, मैं कुछ सामानों से दो तीन चीज़ों से मैं बनाऊँगी। तो ये ले लिया मैंने मिक्सी का जार, इसमें हम रखेंगे दही। आइसक्यूब और ये ले लिया बिल्कुल ठंडा ठंडा आइस क्यूब। इसके इससे ना फेस का मसाज भी करना, तो मतलब गाइस आइस क्यूब गरम देखा है कभी? जिसने गरम देखा है ना वो कमेंट कर दो। इसलिए दीदी ने देखा है गरम। इससे ना, इससे आप लोग अपने फेस पे ना मसाज भी कर सकते हैं, इससे ना फेस पे जो भी पिंपल्स वगैरह होते हैं ना वो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। गाइस बट जिसने गरम देखा है ना, गरम आइस क्यूब कमेंट कर देना। मसाले में डालेंगे हम चीनी, वो अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे लस्सी बना लेंगे, फिर उसके बाद फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। और इसमें अभी क्या क्या डालना है वो मैं अभी बताऊंगी। जिसका मन है इसमें डाला, और ऐसे बस इसमें जो भी डालना है एक्स्ट्रा जो भी, और ऐसे रख के पी सकते हैं, लेकिन मैं ग्लास में डाल के पीऊंगी। गाइस ऐसे ना अंशु जी पीती है। हमारे घर में भी ना खाना ना कुकर से प्लेट में नहीं निकलता वो, बट अंशु जी के पेट में चला जाता है। तो हम इसको ग्लास में ट्रांसफर करेंगे और इस पे डालेंगे हम आइस क्यूब लेके। अब हम इसमें एक आइस क्यूब डालेंगे, देखो कितनी जल्दी पिघल रही है आइस क्यूब। ऐसे डाल दिया और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये काजू बादाम के टुकड़े हैं, और ऐसे आप फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और बाहर मत घूमिए ज्यादा क्योंकि बहुत देर तक। दीदी आप तो इसी से पी लो। ओके ठीक है ठीक है, हाँ सीधा इसी से। ओके मैं इसमें डालूँ। तो आशु बताओ कैसा बना है? बहुत अच्छा, यम्मी यम्मी। तो ये देखो ये खाली कर दिया, ये खाली कर दिया दीदी ने अकेले पीकर। नहीं मेरा ये है देखिए। तो कैसी लगी आपको छोटी सी वीडियो रेसिपी लस्सी की? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।